तो आपको कैसा लग रहा है जिम ज्वाइन करके? मैंने जिम ज्वाइन किया कि मैं इसका मालिक ही हूँ। सो यो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, मैं आज कहूँ आपके साथ फिर एक बार गांव में, और इस वक्त मैं अभी गांव में हूँ। जब भी समय हो रहा है 8:39। अब ये घर दिखाऊंगा मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से। तो पहले आपको मैं अपने कुत्ते से मिला दूँ। यह है मेरा कुत्ता जिसका नाम है सेरू। यह काफ़ी अच्छी है जिसका नाम सेरू है। बेचारी अभी खाना नहीं खाई, इसको खाना देंगे ना? अभी मैं खुद नहीं खाया हूँ। अब आपको मैं बाहर से इसका पहले दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से है, काफ़ी मस्त कर रहा है। अरे बाहर लाइट भी लगी है, मैंने देखा नहीं था ये लाइट लगी है। यहाँ ये खिड़की है काफ़ी अच्छी वाली। अरे देखो अंदर मेरे बब्बा दिख रही टकलू। यह है काफ़ी अच्छा तख्त जो कि सगमन की लकड़ी का है। जैसे कि आप जानते हो कि सगमन बहुत महंगी होती है, और महंगी तो होती ही है पर माल भी तो अच्छा चाहिए भाई। ऐसे फ्री का फोकट का पैसा थोड़ी ले रहा है यार दुकान वाला, सही बात है कि नहीं? यह है हमारी गाड़ी। ये गाड़ी उस जमाने के, जब गांव में एक गाड़ी नहीं थी बिल्कुल कसम से। पर अब बेचारी गाड़ी का हाल हो गया है, बेचारी बीमार है कुछ महीनों से। इसकी बीमारी का नाम है गिरेरिया। बेचारी गिर गिर के इसको गिरेरिया हो गया है। अब चलते हैं अंदर की ओर। यह इस तरह से सीढ़ी छोटी सी है, गाड़ी नहीं अंदर रखते फिर भी। ये तो पहले गेट, काफ़ी अच्छे गेट हैं, टिकाऊ भी हैं, सब अच्छा भी है। देख लीजिए अब इधर पे इसी की जोड़ी है, खिड़कियाँ भी हैं। इधर पे गेहूँ रखा है जो आधा बेच दिए हैं, आधा खा लिए। हमारे गांव में खेती होती है गेहूँ की और राइस की। ये मेरी दादी आ गई हैं, और इसमें से आधा खा भी लिए हैं। अब खेती होती तो बेचते भी हैं। अब गांव में सब खेती किसानी वाला है तो इधर ही पे करते हैं। अब इधर से एक और खिड़की है। यह है हमारा रेडियो। बेचारा कुछ दिन पहले बीमार हो गया था, हमारा घर का टाइम पास रुक गया था, बट अब चालू हालत में है, तो अभी टाइम पास हो रहा है इससे ही। और ये इधर पैसे खूंटे लगे हैं जिनमें कपड़े हैं, दिखा देते हैं आपको। आपके भी गांव में ऐसे खूंटे लगे होंगे, जहाँ तक वहाँ कैलेंडर पे पीछे रहेगा। बब्बा का पूजा घर है। अब ये है मेरे बब्बा का पूजा घर, काफ़ी अच्छे तरीके से। यहाँ भोलेनाथ है मेरे बब्बा के, देख लो। माता आशीर्वाद नहीं लोगे? चरण स्पर्श भोलेनाथ। अब ये है, इधर रामायण सामान रखी हैं। ये फ्यूज बल्ब गिनते गिनते आप हैरान हो जाओगे, ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही हैं फ्यूज है लेकिन। हाँ ये हमारी टीवी जो काफ़ी ब्रांडेड कंपनी की है, देख लो, पढ़ लो, फ्लिप्स की है, झूठ नहीं बोल रहा। इधर पे बल्ब लाइट है। ये हैं घर के मालिक जिनका नाम है श्री महावीर त्रिपाठी। इनको इनके ऑफिस में शर्मा जी करके भी जानते हैं। हेलो बोल दो बब्बा सबको। हेलो। ये बब्बा जी मेरे तहसील में काम करते हैं, अपने काम में काफ़ी वफादार और ईमानदारी से काम करते हैं। अब वो करना ही चाहिए ना भाई, नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? अब भाई इतना 50x60 का घर है तो संभालेगा कौन? मेरा भूत। ये मेरा भांजा, देख लो इसको, 10 खुंडे को, ये इनकी खाट। इसके अलावा और वो कहीं नहीं जाते हैं। अब दादू को देख ले, दादी है। ये मेरी दादी, बेचारी मेरे बब्बा की सेवा करती रहती हैं। बेचारी मेरी दादी को नींद नहीं आती है। कमेंट में बताइएगा कौन सी दवाई है जिनसे इनकी नींद आया करे प्रॉपर। अब इधर से आगे चलते, इधर एक कोठरी है, इसको गैलरी के नाम से भी जानते हैं। एक रूम ऊपर है। और ये देख लीजिए गेट, अच्छे मजबूत वाले हैं, ब्रांडेड कंपनी के। और ये तार रखी है मोटर की, घर में खेती होती है। तो ऊपर एक और रूम है, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, लेकिन मैं ऊपर ना जाऊँगा क्योंकि ऊपर मुझको डर लगता है। अगर आपको दिख रहा है तो देख लीजिए। चलिए अब इधर से आगे चलते हैं। अब इधर से आगे चलते हैं तो इधर पे है खाट।
मतलब खटिया हमारी गांव के भाषा में। ये देखिए जरा इसको, उसके पीछे एक पेटी है जिसमें बहुत सारा सामान रखा है। और ये मेरी प्रिय मम्मी माताश्री मेरी। और ये देख लिए कुछ छत इस तरह की है। अब गांव में कौन छत डलवाएगा। बाहर आ जाते हैं, यहाँ खूंटे लगे हैं थोड़े से कपड़े डालने के लिए। भाई कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारा घर कैसा लगा है। ये संदूक रखी है पेटी जिसमें कुछ भी रखा हो मुझको नहीं पता। ये यहाँ ड्रेसिंग, यहाँ पे मेकअप वेकअप का सामान होता है, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ मच्छर वाली कॉइल सब कुछ है। यहाँ एक मच्छर नहीं आते हैं बिल्कुल, फिर भी रख देते हैं। ये कूलर जो पुराना हो गया है फिर भी काम करता है। और ये इधर पे खंदे बने हैं अलमारी। चलिए और आगे चलते हैं और अब दूसरे कमरे की ओर बढ़ते हैं। हाँ जरा वो देख लीजिए, वहाँ पे ऊपर ये रैक भी है, वरना आप बोलेंगे घर में रैक तक नहीं बनाई है। ठीक है अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं आपका प्यारा दोस्त जतिन, देख लीजिए मेरे चेहरे को।